गुजरात भाजपना वरिष्ठ नेता गोर्धन झडफिया की हत्या प्लानों पर्दाफाश। एटीएसे हत्यारू कावतरू करी निष्फळ। अमदावाद रिलीफ रोड पर मोड़ी रात्रे फायरिंग की घटना बाद थयो खुलासो। एटीएस की टीम पर मुंबई एक शार्प शूटरे फायरिंग कर्यु। अमदावाद में रिलीफ रोड की विनर्स होटल में एटीएस की टीम दरोड़ा पाड़ी मुंबई शार्प शूटर ने करी धरपकड़। समग्र ऑपरेशन में डीआईजी और बे एसीपी जोड़ाया। बीजा शार्प शूटर ने झड़पी लेवा तपास चालू। शार्प शूटर इरफान शेखे कमल में करी थी रेकी। समग्र प्लान पर्दाफाश थे बाद झड़फिया की सुरक्षा वधारवा आदेश अपाया। 2002 गोधरा कांड वक्त गोर्धन झड़फिया गृहप्रधान था। अगौ पर रेकी थी हो झड़फिया दावो। गृह राज्यप्रधान प्रदीपसिंह जाडेजाए समग्र घटना पर खुलासो करता कहूं कि छोटा शकील गैंग साथ संकड़ेला बे शख्स बीजेपी नेता पर हमला करवामां आव्या हता। एक आरोपी पकड़ायो, बीजा ने शोधखोळ चालू। अमदावाद में शार्प शूटर झड़पाया बाद स्थानिक पुलिस आवी हरकत में। विनस होटल साथ अन्य होटल में हाथ धरायू चेकिंग। पीएसआईए तेमनी टीम सामे चेकिंग हाथ धर्यू। एटीएसे झड़पेलो शार्प शूटर मोहम्मद इरफान इलियास मूळ मुंबई चेम्बूर वतनी। प्राथमिक तपास में छोटा शकीले बे शार्प शूटर मोकलिया खुलासो, जेमा इरफान मुंबई थी बस में अमदावाद आव्यो। सलमान नामनो शख्स इरफाने मळवा आवे ते पहला ज एटीएसे झड़पी लीधो। इरफाने मंगलवारे कमलमनो वीडियो बनावीने नेधरलेंड नंबर पर मोकल्यो। नेधरलेंड नंबर वर्च्युअल नंबर होवानो खुलासो। एटीएस ने आरोपी मोबाइल में टार्गेट नेम तरीके गोर्धन झड़फिया फोटो मळ्यो। राज्य में वरसाद वच्चे हजू आगामी 5 दिवस भारे वरसाद की आगाही। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर सक्रिय। उत्तर गुजरात दक्षिण गुजरात सौराष्ट्र कच्छ में भारे वरसाद की आगाही। 22-23 ऑगस्टे भारे थी भारे वरसाद थशे। माछीमारों ने 5 दिवस दरिया में नहीं जवानी सूचना। राज्य में 24 कलाक में सरेराश 2.5 इंच वरसाद। कच्छ में सीजनों सौथी वधु 149%, दक्षिण गुजरात में 76%, उत्तर गुजरात में 62%, मध्य गुजरात में सीजनों कुल 66% वरसाद। भावनगर भाल पंथक में पसार थती घेरो नदी में 2 लोग तणाया। पाणियाद और माढ़िया वच्चे पसार थती नदी में पिता पुत्र तणाया। गाम लोगों की शोधखोळ। राजकोट शहर ने पीवानुं पाणी पूरु पाड़तो आजी डेम 16मी वखत ओवरफ्लो। सीएम रूपाणी वीडियो कॉन्फरन्स थी आजी डेमना वधामणा कर्या। राजकोट आजी डेमना ड्रोना नजारो। आजी डेमना खड़खड़ वहता पाणी अद्भुत दृश्यो सामे आव्या। धोराजी में पसार थती भादर नदी बे कांठे। भादर बे डेम उपरवास में पानी पुष्कळ आवक। डेमन लेवल जाळवी राखवा डेमना 4 दरवाजा 8 फूट खोलिया। भायावदर पंथक में उपरवास में वरसाद ने कारण मोज डेम में पानी की आवक। डेमन रूरल लेवल जाळवी राखवा माटे डेमना 2 दरवाजा 1.5 फूट खोलिया। 5 दिवस थी कोजवे बंध। राजकोटना धोराजी में बिस्मा रोड थी लोग परेशान। जमनावड रोड थी उपलेटा रोड जेतपुर सहित रस्ता पर मोटा खाड़ा। खाड़ा में पानी पड़ता अकस्मात सर्जावा की भीति। स्थानिकों तंत्र की बेदरकारी सामे विरोध कर्यो। राजकोटना धोराजी में बिस्मा रोड थी लोग परेशान। जमनावड रोड थी उपलेटा रोड जेतपुर सहित रस्ता पर मसमोटा खाड़ा। खाड़ा में वरसादी पानी भराता अकस्मात थवानो भय। स्थानिकोए खाड़ा में वृक्षारोपण कर विरोध कर्यो। राजकोटना ग्राम्य विस्तारों में वरसादी माहौल। गोंडली आसपासना ग्राम्य पंथक में वरसाद बपोर बाद लगभग 1 इंच वरसाद। गईकाले पण पंथक में मेघराजाए करी हती मेहर। सूरतना मांडवी में आमली डेमना 5 दरवाजा 2 फूट खोलाया। उपरवास में भारे वरसाद ने लई बारडोली ने मीठोड़ी नदी गांडी तूर। नीचावाड़ा विस्तारों में पानी में गरकाव। लोगों ने सुरक्षित जगह पर खसेड़ाया। सूरतना पूना गाम में अनेक दुकान और गोडाउन में पानी भराता भारे नुकसान। पानी भराता बगड़ी गये सामान फेंकव पड़ो। व्यापारी वधी मुश्किल। सूरतना बारडोली तालुका में विराम बाद वरसाद शुरू। सवारथी वादळछाया वातावरण में ठंडक प्रसरी। सूरत नेशनल हाईवे पर 4 किलोमीटर सुधी ट्राफिक जाम। मुंबई थी अमदावाद जता नेशनल हाईवे पर लग्जरी बस और पिकअप कार वच्चे अकस्मात थता ट्राफिक जाम। चलथान गाम की नजीकनी आ घटना। नवसारी ने पूर्णा नदी ना जलस्तर घटता तंत्र राहत नो श्वास लीधो। पानी ओसरता नीचावाड़ा विस्तार में वसता लोगों की चिंता ओछी थई। दक्षिण गुजरात सहित नवसारी जिला में वरसाद की आगाही वच्चे फरी वरसाद शुरू। नवसारी गणदेवी चिखली वांसदा सहित विस्तार में पड़ो वरसाद।
વડોદરામાં સમી સાંજે પડ્યો વરસાદ. ભારે વરસાદને લઈને નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં જળબંબાકાર. વરસાદી પાણીના નિકાલની વ્યવસ્થા નહીં હોવાથી લોકો પરેશાન. લહેરીપુરા મંગલ બજાર વિસ્તારમાં ભરાયું પાણી. વડોદરાના આજવા સરોવરની વધતી જળસપાટી જોતા મધરાત બાદ 3530 ક્યુસેક પાણી છોડવાનો નિર્ણય. આજવા સરોવરની સપાટી 121 ફૂટ પર જાળવા રાખવા નિર્ણય. સરોવરમાંથી પાણી છોડાતા કાંઠાના ગામો અને નીચાણવાળા વિસ્તારોને એલર્ટ કર્યા. વડોદરાની વિશ્વામિત્રી નદીની સપાટી ન વધતા વડોદરાવાસીઓને હાશકારો. આજવા સરોવરમાંથી 3500 ક્યુસેક પાણી છોડાયા બાદ પણ વિશ્વામિત્રી સપાટી સ્થિર. વિશ્વામિત્રી નદીની હાલની સપાટી 15.5 ફૂટ. વિશ્વામિત્રીની સપાટી હજુ ઘટે તેવી શક્યતા. વડોદરાના ડભોઈમાં હજુ પણ નથી ઓસર્યા વરસાદી પાણી. વરસાદે વિરામ લીધાના બે દિવસ વીત્યા છતાં સ્થિતિ ખરાબ. ઘરોમાં પાણી ભરાઈ રહેવાના કારણે લોકો પરેશાન. ઉનાના દેલવાડા પાસે આવેલી મચ્છુંદ્રી નદીના કોઝવે પર સામેથી આવતા ટ્રકની સાઈડ આપતા તણાઈ કાર. સ્થાનિકોની સમયસૂચકતા અને મદદથી ટળી જાનહાની. કારમાં સવાર બંને યાત્રીઓનો બચાવ. આજે શ્રાવણ માસના અંતિમ દિવસે મેઘરાજાએ સોમનાથ મંદિર પર જળાભિષેક કર્યો. શ્રાવણના અંતિમ દિવસે સોમનાથ મહાદેવમાં ભક્તોની પાંખી હાજરી. ગીર સોમનાથના તાલાલા સહિત ગીરના ગામડાઓમાં વરસાદે લીધો વિરામ. હવે વરસાદ અટકશે તો મગફળીના પાકને થશે ભારે ફાયદો. વરસાદ ન આવે તે માટે ખેડૂતોએ કરી મેઘરાજાને પ્રાર્થના.